हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर वीडियो ऑफ डे टू ऑफ बरेली टू शिरडी व्लॉग। फाइनली रात को कूप में कंफर्टेबली आराम करने के बाद जब तक हमारी सुबह आँख खुली तब तक हम एंटर कर चुके थे मध्य प्रदेश में और जंक्शन आ चुका था भोपाल का। तो इस भोपाल जंक्शन के व्यू को एंजॉय करते हुए हमने शुरुआत की अपने ब्रेकफास्ट की और यहीं से हमने ऑर्डर किया और परचेज किया इडली एंड मेंदू वड़ा, जिसकी क्वालिटी सच में बहुत ही अमेजिंग थी। तो इंडियन रेलवे के इस सफ़र को एंजॉय करते हुए हमने अपने ब्रेकफास्ट को कंप्लीट किया। मेरी वाइफ ने खाया पोहा और मैंने एंजॉय किया इस यमी ढोकला को। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस ढोकले की क्वालिटी बहुत ही सुपर थी और हमारा सफ़र मोड तो ऑन था लेकिन मायू का मोड था डू नॉट डिस्टर्ब एट ऑल। वेल, हम इस सफ़र को एंजॉय कर रहे थे, यहीं पर जो व्यू था बहुत ही अमेजिंग होने लगा था। स्पेशली दिस डार्क एंड इंटेंस फॉरेस्ट वॉज लुकिंग अमेजिंग। इतने बीच में ये जो डीप डाउन रिवर थी इट वॉज क्वाइट कैरी। दिखने में बहुत इतनी आसान लग रही है ये, लेकिन इतनी थी नहीं एक्चुअल में व्हेन वी वर ट्रैवलिंग। सो पोजिंग वाइल व्लॉगिंग इज रियली नीडेड। और ये केले के पेड़ों की खेती देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम पहुँच चुके थे साउथ में। तो साउथ में प्रॉपरली एंटर करने के बाद हमने, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो हमने ऑर्डर किया ये लंच। बट जस्ट लाइक लास्ट टाइम इंडियन रेलवेज़ की तरफ से सर्व किया हुआ ये खाने की क्वालिटी इतनी इफेक्टिव नहीं थी। और इसी के साथ थोड़ा बहुत लंच करने के बाद हमारा मायू का फाइनली डांसिंग मोड ऑन हो चुका था। वो थी पूरे फन एंड ट्रोलिंग के मूड में, तो उसने बहुत अच्छे से डांस कर करके इन्जॉय किया कॉरिडोर में। उसके पापा के साथ उसे झूम झूम वाले सॉन्ग पे ये स्टेप करना बहुत ही फेवरेट है। और साथ ही उसने डांस किया अपनी मम्मा के साथ भी। मम्मा के साथ भी उसने ये सेम स्टेप था, लाइक दिस दीज स्टेप्स आर मायूज फेवरेट स्टेप्स ऑनेस्टली। मम्मा के साथ एंजॉय करते करते, बाहर के सारे अमेजिंग व्यूज़ को एंजॉय करते करते अब टाइम था, क्योंकि कुछ ही लास्ट घंटे रह गए थे। तो मम्मा ने कहा कि सबको साथ में बैठना चाहिए और सबको अच्छे से एंजॉय सफ़र को देखते देखते करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सब अंदर चलिए और सब कुछ में बैठिए, जस्ट बिकॉज ये तो मम्मा का ऑर्डर है तो मानना तो पड़ गई है मायू की मम्मा जो। तो हम लोग बैठ गए और हम लोगों ने अच्छे से सफ़र को बाहर देखते हुए इन्जॉय किया। मायू को इतने बीच में कोई अपना अलग ही दिख गया था बाहर, जिसको वो बाय भी कर रही थी विंडो से देख करके। एंड इस 21 घंटों के इस पूरे सफ़र को तय करते करते हम मनमाड़ जंक्शन को क्रॉस कर रहे थे, जहाँ पे ये अमेजिंग हिल व्यूज थे वो मिल रहे थे हमें। और 21 आवर्स के इस पूरे जर्नी को कंप्लीट करने के बाद हम फाइनली पहुँच गए हमारे डेस्टिनेशन जो था कोपरगाँव में। इस कोपरगाँव से बेसिकली शिरडी के लिए हार्डली आधे घंटे की एक रास्ता होती है, जिसे आप ऑटो के ज़रिए कंप्लीट कर सकते हैं। तो अपनी यहाँ अपनी ट्रेन को यहाँ से अलविदा कहने के बाद, ये जो ऑटोज़ आप देख रहे हैं, आपको शेयरिंग कैब या फिर इंडिविजुअल कैब मिल सकती है। इंडिविजुअल ऑटो से हम निकल गए यहाँ से फाइनली शिरडी के लिए। और इस इवनिंग में जिसमें हम बहुत थक चुके थे फाइनली, लेकिन हम कुछ व्यूज़ को इन्जॉय कर रहे थे, स्पेशली दिस रिवर व्यू वॉज रियली लुकिंग अमेजिंग। तो सनसेट के इस टाइम पर जब हम फाइनली पहुँचे शिरडी, तो बहुत ही रिलैक्स और बहुत ही कंफर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि फाइनली 21 घंटे का सफ़र पूरा हो चुका था। एंड फाइनली हम पहुँच गए द्वारावती भक्त निवास, जो कि फाइनली हमारा इस टेम्प्ररी स्टे के लिए ऑप्शन था, जिसके लिए हमने बुक किया हुआ था ऑलरेडी। ये साईं ट्रस्ट की तरफ से बेसिकली बनाया गया एक ट्रस्ट है, एक अकोमोडेशन प्लेस है जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, दैट टू फॉर अ गुड टाइम। इसका आर्किटेक्चर जिस तरह से डिज़ाइन किया गया था बहुत ही इफेक्टिव लग रहा था। हम फाइनली पहुँचे थर्ड फ्लोर पे, जहाँ पे हमारा रूम एक्चुअली अवेलेबल था। रूम नंबर था हमारा 368, जो कि आप देख सकते हैं। वी कुड नॉट टेक द रूम टूर, बट इट वॉज क्वाइट अमेजिंग, क्वाइट कम्फर्टेबल विथ 3 बेडिंग्स ऑलमोस्ट। एंड फाइनली हम पहुँच गए पंजाबी तड़का में बंसी रेस्टोरेंट की तरफ से, जो कि अवेलेबल था अपने डिनर के लिए। क्योंकि डिनर इन्जॉय करना था तो हमने कैमरा किया ऑफ। मिलते हैं डे 3 में, बाय।